हेलो दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय प्रदीप सर। इस क्लास में देखेंगे हम रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, जितने भी आपके करंट अफेयर रहेंगे, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, एचएसएससी, एसएससी, जिसमें क्या है ये एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करती है। सो दोस्तों, वही सबसे पहले क्या रहेगा हमारी क्लास का रूल, और अगर बात करें हमारे दिन के शुरुआत की तो एक बेहतरीन से विचार के साथ देखें। और दोस्तों क्या रहा, यदि कोई संघर्ष में नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। सिंपल सी बात रही दोस्तों, स्ट्रगल लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, अगर आप स्ट्रगल करते हो तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सिंपल सी बात रहती है कि हमें अगर खाना खाने बैठे हैं तो उसके लिए भी आपको रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, उसे भी अपने मुंह तक पहुंचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है। तो सिंपल सा वही रहा कि जिंदगी का अगर नाम की बात करें, दूसरे नाम की, तो संघर्ष रहता है। और अगर आप सच में कहीं ना कहीं लाइफ में एक स्ट्रगल कर रहे हैं तभी आपको क्या है सक्सेस मिलती है। इतना सा एक मंत्र याद रखिएगा कि अगर संघर्ष कर रहे हो तो सक्सेस मिलेगी। मे बी इट डिलेड, ये थोड़ी सी क्या हो सकती है, लेट हो सकती है, पर डेफिनेटली आपको मिलेगी। ओके सो हम शुरू करते हैं हमारे क्लास की। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास समरी की कि क्लास में क्या कुछ रहेगा बच्चों। तो देखिएगा, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट, एक बेहतरीन सा विचार जो हमने डिस्कस किया, उसके बाद आपका डाउट सेशन रहेगा, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन जो आपका सैटरडे को मिला था आपको, ठीक है, उसके बाद कल मंडे को आपको दे दिया गया था, उसके बाद एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन आपको रहेंगे। एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन कौन से रहेंगे, जो रिविजन बेस्ड आपके रहेंगे। ओके उसके बाद हम देखेंगे आज की करंट अफेयर। ओके इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों हमारा डाउट सेशन। ऑलमोस्ट बच्चों का किसी का डाउट नहीं था तो हम स्किप करते हैं। ओके अब हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ, जो आपको कल होमवर्क क्वेश्चन मिला था। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर दिया था। देखिए आप कौन कौन रहे, आकाश, कृष्णा, आशीष, दिलीप, राजेश, एम एस वेट, प्रदीप, हैप्पी, मंजीत, एकता, नवीन, वतन, अमित, सुनील, शिवकर, हनी, कीवी, टिंकू, हैप्पी, अरमान, गगन, देव, देविका। ओके ऑल दीज फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल, आपका आंसर सबसे बेहतर था। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हम डिस्कस कर लेते हैं वो, कि आपका क्या आंसर, क्या क्वेश्चन था, और आपने, इन बच्चों ने कौन से क्वेश्चन का आंसर किया। तो देखिए बच्चों आपका क्या रहा, सिंपल सा बच्चों होमवर्क का एक ही मोटिव आपका रहता है कि आपका मोटिव यही है कि आप बेशक यहाँ पर मे बी नेम आपको कर रही है, नेम यहाँ शो करते हैं कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को जाने, बिकॉज ये वो बच्चे हैं जो डेली टू डेली जुड़ते हैं और आंसर देते हैं। लेकिन मेन मोटिव इतना समझिएगा बच्चों कि इसे सिर्फ आपने एक आंसर लिख दिया, मैम हमारा नेम आ रहा है, इतना नहीं लेना है। ये आपका एक प्रिपरेशन का एक पार्ट है, स्टैटिक पोर्शन आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है। ओके तो देख लीजिएगा, आपको इसी के फैक्ट्स भी हमेशा याद रखने हैं। जैसे आपको पीडीएफ मिलती है तो ये छोड़ना नहीं है कि करंट अफेयर नहीं, इसे भी पढ़ना है। ओके सो अब हम देख लेते हैं क्या था आईसीसी। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अगर हम इसकी बात करते हैं टोटल, इसमें बात करें ऑलमोस्ट पता होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट से रिलेटेड वर्क करती है। इतना हमने नहीं देखना, हमारे क्या आता है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ऑप्शन में दो चीजें आपको याद रखनी है, 12 नंबर, एक 12 नंबर याद रखना है जो क्या रहता है इसका बच्चों। इसमें क्या है, 12 टीम वो टीम है जिन्हें क्या है कि गवर्निंग बॉडीज, अगर बात करें द 12 गवर्निंग बॉडीज ऑफ टीम्स दैट हैव फुल वोटिंग राइट। ओके आईसीसी में अगर बात करते हैं टीमों की तो कितनी टीमों को बच्चों फुल राइट है, 12 टीमों को। ओके ये नंबर आपको याद रखना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, मतलब पूर्ण मतदान अधिकार है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो टोटल इसमें 92 क्या है, शासी निकाय टीमें हैं, टोटल 92 है, जिसमें से सभी को क्या है पूरे मतदान अधिकार नहीं है, वो सिर्फ 12 को है। ये दो नंबर यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेंगे, यहाँ से इतनी चीजें याद रखिएगा। ओके उसके बाद अगर हम देख लेते हैं आगे तो इसके चेयरपर्सन कौन है, शशांक मनोहर, अभी काफी ट्रेंडिंग पर्सन थे तो याद रखना है। उसके बाद सीईओ कौन है, मनु सहानी रहे, हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रहा, फाउंडेड 15 जून 1909। और इसके अगर मोटो की बात करते हैं, मोटो क्या होता है, ये एस्टेब्लिश क्यों की गई थी, अगर बात करते हैं इसकी तो क्रिकेट फॉर गुड, सिंपल सा रहता है कि एक लाइन रहती है ना बच्चों, तो वही अगर बात कर ली जाए, आपका क्वेश्चन बन गया आईसीसी है, उसका मोटो क्या है, तो वो आपको याद रखना है, टैग लाइन क्रिकेट फॉर गुड। ओके इतनी चीजें क्या है आपको यहां से याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों आपका एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चन क्या रहा, स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सिंपल सा एक क्वेश्चन रहा कि स्वामी नारायण एक संस्था है, उनके प्रमुख का आपको नाम बताना है जिनका क्या है हाल ही में निधन हुआ है। यह आपके ऑप्शन रहे, ऑप्शन कहीं ना कहीं वही है जो आपके ओबिचरी, अगर ओबिचरी की बात करें, निधन, निधन से रिलेटेड है, जो हाल ही में विख्यात पर्सन थे उनका निधन हो गया। तो देखिए बच्चों वन बाय वन हम देखते हैं, सबसे पहले तो आप आंसर की बात कर लें तो इनका आंसर रहा श्री
पुरुषोत्तम प्रिया दास स्वामी श्री, ओके ये पर्सन आपको नाम याद रखने हैं जिनका हाल ही में डेथ हो गया। अब हम अदर देख लेते हैं, आवेद बिन हसन, सिंपल सा आपको बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, एक कार्टूनिस्ट से गुजराती न्यूज़पेपर में इनके कार्टून छपते थे, कार्टून बनाते थे, जिनका क्या है हाल ही में डेथ हो गई, ये गुजरात से बिलोंग करते थे, ओके आवेद बिन हसन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या रहा, नगीन दास संघवी, नगीन दास संघवी की बात करें, ये पद्मश्री अवार्डी थे, एक जर्नलिस्ट थे, ओके जर्नलिस्ट थे। अगर ऑप्शन में आ जाए कि नगीन दास का हाल ही में क्या हुई है, उनकी डेथ हुई है, वो क्या थे, ऑप्शन दिए होंगे एक प्रोड्यूसर थे, जर्नलिस्ट थे, कार्टूनिस्ट थे, ऐसे ही, तो अब वो क्या थे, जर्नलिस्ट थे, याद रखना है। ज्योत्सना भट्ट, ये क्या थे, इंडियन एक सेरेमनिस्ट और पोर्टर थी, ओके सेरेमनिस्ट और पोर्टर की बात करें, काफी ओल्ड एज में इनकी डेथ हुई है, तो सेरेमनिस्ट और पोर्टर थी ये, और इनका क्या नाम था, ज्योत्सना भट्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नीला सत्यनारायण, अगर इनकी बात करें तो ये पहली वुमेन रही थी जो एसएससी की, अगर हम बात करते हैं, उसकी कमिश्नर रही थी, ठीक है, एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन, जो आपका स्टाफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, वो आपकी रही थी, स्टाफ इलेक्शन कमिश्नर रही थी महाराष्ट्र की, ओके सिंपल सी आपको चीज याद रखनी है, नीला सत्यनारायण, स्टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन गया, नीला सत्यनारायण कौन थी, फर्स्ट वुमेन थी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र की, ओके इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा, सिंपल सा देखिएगा, एचआरडी अगर हम बात करते हैं रमेश पोखरियाल सर के अंडर आती है, और मानव संसाधन विकास अगर बात करते हैं उनके राज्य मंत्री संजय धोत्रा, उन्होंने क्या किया है, अभी निष्ठा प्रोग्राम, जैसे निष्ठा काफी न्यूज में चल रहा है, वो प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है। अब आपको बताना है वो निष्ठा प्रोग्राम फर्स्ट ऑनलाइन, मतलब सबसे पहले कहां पर कौन से राज्य में शुरू किया गया है, ओके तो फर्स्ट ऑनलाइन अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं बच्चों, तो वो क्या रहा आपका, आंध्र प्रदेश, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो चेडुडू स्कीम जैसे आंध्र प्रदेश की रही, तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर हम बात कर लेते हैं निष्ठा स्कीम की, तो निष्ठा स्कीम आपकी सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है, याद रखना है। अब हम देख लेते हैं इनके थोड़े से स्टैटिफैक्ट्स, आंध्र प्रदेश की बात करें गवर्नर विश्वास भूषण हरिचंदन, सीएम कौन है यहाँ के, वाई एस जगनमोहन रेड्डी है। पंजाब की बात करें अमरिंदर सिंह, गवर्नर बीपी सिंह बदनौर, ओडिशा नवीन पटनायक गणेशी लाल, उत्तर प्रदेश आनंदी बेन पटेल योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान लालजी टंडन, अभी लालजी टंडन की जगह आनंदी बेन पटेल को एज एन एडिशनल गवर्नर बनाया गया है। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। और थोड़ा सा बच्चों सिर्फ 2 सेकंड की एक बात कहूंगी, कई बच्चों को आ रही है मैम स्पीड की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो बच्चों एक बात कहती हूँ कि जो बच्चे अपने, जिन बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही है और जिन बच्चों को स्पीड में दिक्कत आ रही है, कहीं ना कि मैम 90 पे लाइक 100 स्पीड है, आप कह रहे हो कि मैम थोड़ा सा स्लो करो 90, तो क्या कर रहे हो बच्चों, आप खुद ब खुद थोड़ा सा पीछे हो रहे हो उन्हीं बच्चों से। तो आप कोशिश कीजिए कि मेरी स्पीड नॉर्मल है, ये इतनी होगी, तो आप कोशिश कीजिए कि इस स्पीड को मेंटेन रखो, अगर आपकी ये स्पीड होगी तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की ये स्पीड है। कुछ एक बच्चों को दिक्कत आ रही है तो वो क्या करें, धीरे धीरे डेली जुड़िए, आपको आदत हो जाएगी, आप खुद ब खुद फिर यही कहेंगे कि मैम थोड़ा फास्ट करवाओ, क्लास बहुत लंबी हो जाती है, ऐसा आप ही का कहना होगा फिर, ओके ठीक है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि किस संस्थान को मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है। सिंपल सा एक पोर्टेबल, पोर्टेबल क्या होता है, जो आप कहीं भी उठा सकते हो, कैब, कैब की अगर बात करें मेडिकल से रिलेटेड कैब, आप सभी बच्चों को पता होगा, तो मेडिकैब के नाम से क्या है, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। आपको बताना है वो कौन से संस्थान ने बनाया है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, तो बच्चों वो रहा आईआईटी मद्रास का। अब आईआईटी से रिलेटेड जो अब तक के ऑलमोस्ट 3 to 4 months के रिलेटेड है ना, 4-5 आईआईटी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे सबसे ज्यादा न्यूज में रहा है, इसने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा बनाई है, अगर बात करें लो कॉस्ट वेंटिलेटर रुधर बनाया है, डिजिटल स्टेथोस्कोप कोल्ड आयुष सिंक बनाया है, मोबाइल ऐप क्वारंटाइन बनाया है। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, ध्रुवा रुधर क्वारंटाइन आयुष सिंक, 1 लाइन में याद कर लीजिए, ध्रुवा रुधर क्वारंटाइन आयुष सिंक, ये 4 नाम आ जाए, कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है, आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी गांधीनगर की बात करें तो एक आर्टिफिशियल बेस्ड एक ऐसा क्या बनाया है, टूल बनाया है, बॉक्स बनाया है, जो क्या करेगा आपका एक्सरे होता है ना, उस एक्सरे को देखकर क्या बताएगा कि इस पर्सन को COVID-19 है या नहीं, तो वो आपका किसने डेवलप किया है, आईआईटी गांधीनगर ने। आईआईटी दिल्ली ने क्या बनाया है, कोरोसोर बनाया है। आईआईटी कानपुर की बात करें तो एक यूवी सैनिटाइजिंग, जिसका नेम क्या रहा, शुद्ध शुद्ध सैनिटाइजिंग डिवाइस किसने बनाया है, आपके आईआईटी कानपुर ने। और मोबाइल मास्टरजी ऐप किसकी रही, आईआईटी कानपुर की। अब अगर बात करते हैं आईआईटी मद्रास की, तो यहां से एक पोर्टेबल हॉस्पिटल तो हो ही गया है, मेडिक
ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, ऑटोमेटेड रेस्पिरेट असिस्ट। रेस्पिरेटरी क्या होता है, आपका जो श्वसन क्रिया होती है ना, उसके लिए ऑटोमेटेड, जब पर्सन को लाइक उसको लगाया हुआ है, जब उस पर्सन को ये होगा ना कि इसे इसकी क्या हो रही है कि सांस में दिक्कत आ रही है, वो ऑटोमेटेड रहेगा। उसमें क्या है, डॉक्टर्स की हमें अवेलेबिलिटी की ज्यादा नीड नहीं रहेगी। तो वही किसने बनाया है, आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास से मेडिकैब हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एक आई आपका ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी डिवाइस हो गया। इतनी चीजें क्या है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्या रहा, काफी न्यूज में रहा है ये HCL टेक। अगर HCL टेक की बात करें, आई थिंक इसके बारे में बताने की ज्यादा नीड नहीं है। इसी के क्या है, अभी रिसेंटली एक पर्सन रहे जिन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन यही बनेगा, चेयरमैन कौन है, अगर बात करते हैं HCL टेक की। चेयरमैन की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम इसके MD की बात कर लेते हैं, CEO की बात कर लेते हैं। जो पहले चेयरमैन थे, अब वो इसको एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संभालेंगे, तो उनका नाम रहा शिव नादर। ओके, शिव नादर ये इनका नेम रहा। अब इन्हीं की बेटी अगर हम बात करते हैं नादर से, तो रोशनी नादर ये क्या करेंगी, एज एन चेयरमैन HCL टेक को संभालेंगी। ओके, दो नाम याद रखना है, शिव नादर और रोशनी नादर, सिंपल सा रहा। अब हम अदर देख लेते हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, आपके अपॉइंटेड पर्सन है। तो देखिए अब बच्चों क्या रहा, रोशनी नाडर, आई होप ऑलमोस्ट बच्चों को याद होगा, जो HCL टेक की अभी क्या है, रिसेंटली चेयरमैन नियुक्त करी गई है, काफी ट्रेंडिंग में रही है, काफी इजी हो जाएगा, बच्चे ऑलमोस्ट पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ना, वैसे आपको याद रखना है, शिव नाडर भी आपको एक पर्सन नाम याद रखना, जो इनके क्या रहे फादर, अगर बात करें पिताजी रहे, जो क्या करेंगे एज एन MD और CEO HCL टेक में काम करेंगे। अब देख लेते हैं राज किरण राय, जो क्या रहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD अभी नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, अगर इनकी बात करें तो ये मणिपुर से हैं और प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं हॉकी इंडिया के। जयंत कृष्णा, ये क्या है, रिटायर्ड प्लेयर हैं हॉकी के, और इन्हें ज्ञानेंद्रो निगोम्बम जो मणिपुर से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं हॉकी इंडिया के। जयंत कृष्णा CEO बनाए गए हैं UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के CEO कौन रहे, जयंत कृष्णा। इंजेती श्रीनिवास काफी न्यूज में रहे हैं, इफ्सका, इसकी अगर बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, तो इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, इंजेती श्रीनिवास। इतने नाम आप को याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा, एक सिंपल सा रहा, इसका न्यूज में रहने का जो मेन था वो यही था, झेलम नदी। झेलम नदी के ऊपर क्या है, अभी आजाद पट्टन हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसके लिए समझौता हुआ है, जो सुदोटी जिले में है जम्मू कश्मीर के। अगर जम्मू कश्मीर जो पाक आपका है ना, पाक ओरिएंटेड कश्मीर है, उसमें है, पाक ओरिएंटेड कश्मीर में एक क्या रहा, सुदोटी डिस्ट्रिक्ट है, वर्ड आपका एक नाम बन गया ना, सुदोटी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर क्या है, झेलम नदी है। उसी झेलम नदी के ऊपर क्या है, एक प्रोजेक्ट लाया गया है, आजाद पट्टन हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट। अब वो किस किस के बीच में रहेगा आपको बताना है, फर्स्ट तो उसमें रही चाइना। अब चाइना के साथ समझौता कौन कर रहा है, ऑलमोस्ट आपको याद रहेगा पाकिस्तान। ओके, चाइना पाकिस्तान का ये रहेगा, याद रखना है, चाइना पाकिस्तान का आजाद पट्टन हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट रहा, जो जम्मू कश्मीर, पाक ओरिएंटेड कश्मीर, जो सुदोटी जिले में क्या होगा, रखा गया है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया होगा, चाइना और पाकिस्तान। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो चाइना और पाक ही रहा, उन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं। चाइना की बात करते हैं तो बीजिंग रेनमिनबी, प्रेसिडेंट कौन रहे, शी जिनपिंग रहे। रशिया की बात करें मॉस्को रूबल, प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। मलेशिया कुआला लंपुर रिंगिट, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन है, मुहियुद्दीन यासिन। जापान टोक्यो येन, प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो एबे। फ्रांस की बात कर लेते हैं तो पेरिस यूरो, प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा, उस व्यक्ति का क्या नाम है जो अगर बात करते हैं बांग्लादेश में, ओके ये थोड़ा सा रोंग हो गया, बांग्लादेश में आप याद रखिएगा, बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के, और जिसने हाल ही में क्या है CPJ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। सिंपल सा रहा कि क्या है, CPJ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 अभी दिए गए थे, वो चार पर्सन को मिले थे। ओके, चारों पर्सन के आपको नेम रट लेने हैं, अभी उनमें से क्या है एक पर्सन आपके बांग्लादेश से रहे, और ठीक है अब आपको बताना है कि उन पर्सन का नेम क्या है। ऑप्शन अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये नन ऑफ दिस तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, इवन चारों में रहा तो ये चारों वही पर्सन है जिन्हें क्या है, अगर बात करें CPJ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं बच्चों, तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है शशिदुल आलम, जो कहां के रहे, बांग्लादेश के रहे, इन्हीं को मिला है। दूसरा रहा मोहम्मद मौसे, जो ईरान के हैं, ईरान से याद रखिएगा तेहरान रियाल। और डेपो ऑलर यून योमी रही, जो क्या है नाइजीरिया से है। अबूजा नायरा, इसकी क्या रही, कैपिटल और करेंसी रही।
स्टेबलेरा, अगर बात करते हैं स्वेटलाना प्रोकोवियवा की, तो वो रशिया से रहे, मॉस्को रूबल, यहां से इतनी चीजें याद रखनी है। ये बच्चों चार नेम रहे, इनको याद करना ही है, करना पड़ेगा बच्चों। सीपीजे इंटरनेशनल अवार्ड काफी बड़ा अवार्ड माना जाता है, अगर हम बात करते हैं प्रेस में, प्रेस फ्रीडम अवार्ड में, और चारों के चारों जो आपका है, आपके जो क्रिमिनल रिलेटेड होते हैं ना, वो रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट है ये, ओके। तो इन्हीं चारों को क्या है, ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे हाल ही में TIFF टोरंटो, जो आपका क्या है इंटरनेशनल फिल्म फेयर, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेयर 2020 हो रहा है, उसमें क्या है एज एन एम्बेसडर, राजदूत नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। तो उसमें दो पर्सन नियुक्त हुए हैं, प्रियंका चोपड़ा, अनुराग कश्यप, ए और बी बोथ, ठीक है। अब आपको क्या है बच्चों, कुछ एक हम ब्रांड एम्बेसडर और एम्बेसडर देख लेते हैं, ओके। तो देखिए अब बच्चों क्या रहा आपका, ये आपको नेम कुछ याद रखने हैं जो हाल ही में क्या है ब्रांड एम्बेसडर और एज एन एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले तो आपको प्रियंका चोपड़ा और अनुराग की बात करते हैं, तो टिफ 2020 में क्या है एज एन एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अब आपको क्या है, चार नेम जो है वो एक साथ याद रखिएगा, विजय खंडूजा जो जिम्बावा में एज एन एम्बेसडर बने हैं, विजय खंडूजा जिम्बावा, राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में, ब्रजेंद्र नवनीत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विधु नायर एज एन तुर्कमेनिस्तान में, ओके एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। चारों नाम रट लीजिएगा, विजय खंडूजा जिम्बावा, राहुल श्रीवास्तव रोमानिया, राजेंद्र नवनीत, अगर ब्रजेंद्र नवनीत WTO, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, ब्रजेंद्र नवनीत WTO, विधु नायर तुर्कमेनिस्तान, ओके इतनी चीजें याद रखनी। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लीजिएगा, रोहित शर्मा जो ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं, ला लीगा टीम के हैं, ला लीगा टीम के बात करें, अभी रेडक्लिफ ने जिसने क्या है कल की आपकी न्यूज रही थी जिसमें वो एज एन क्या जीते थे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सुनील छेत्री, सुनील छेत्री की अगर हम बात करें, फुटबॉलर आपको पता होगा काफी बड़े नाम से रहे हैं, काफी अच्छे उम्दा प्लेयर हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अभी प्यूमा के। पीवी सिंधु की बात करें तो वो वीजा की ब्रांड एम्बेसडर और भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव है उसकी क्या है बनाई गई है, और दीपिका पादुकोण भी भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव की दूसरी ब्रांड एम्बेसडर है, ओके इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा, अभी क्या है लेविस हैमिल्टन जो आपको ये पर्सन दिख रहे हैं, लेविस हैमिल्टन ऑलमोस्ट ऑल बच्चों को पता होगा, लुइस हैमिल्टन की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया है, जो हंगरी में आपका फॉर्मूला वन रेस हुई थी, जैसे रेसिंग होती है फॉर्मूला वन, कार रेसिंग आपने देखी होगी, तो फॉर्मूला वन रेसिंग हुई थी हंगरियन ग्रांड पिक्स, फॉर्मूला वन हंगरियन ग्रांड पिक्स 2020, वो किसने जीता है लुइस हैमिल्टन में, और ये कहाँ हुई थी आपकी, हुई थी हंगरी में और मोग्योरोड हंगरी, ओके सिंपल सा रहा, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स हंगरी में हुई थी और इसे किसने जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, हंगरी की कैपिटल की बात करें तो बुदापेस्ट रही, और अगर करेंसी की बात करें तो फॉरिंट रही, फॉरिंट आपको सिंपल याद रखना है, प्रेजिडेंट कौन है जेनोस एडर है, ओके इतनी चीजें याद रखनी है, प्रेजिडेंट ऑलमोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनते जितनी कैपिटल करेंसी बनती है, इनको तो वन फ्लो में याद रखिएगा आपकी, अगर बात करें हंगरी बुदापेस्ट फॉरिंट, हंगरी बुदापेस्ट फॉरिंट, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी न्यूज क्या रही, सिंपल सा एक आपकी रिटायरमेंट से रिलेटेड रही, आपको एक पर्सन दिख रहे होंगे एंड्रेस शुरेले, अगर इनकी बात कर लेते हैं, ये फुटबॉलर प्लेयर थे, तो इन्हें क्या है हाल ही में इन्होंने क्या कर दिया है रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मैम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे बनेगा बच्चों, हाल ही में क्या हो रहा है, पीछे के जो एग्जाम से एज एन हमने देखे हैं उसमें क्या है आपको जो बहुत बड़े नाम, विख्यात नाम होते हैं, बड़े नाम होते हैं, उनका आपको नेम दिया जाएगा, वो यही पूछा जाता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, ये किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, तो ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ओबिचरी जिनका निधन हुआ होता है, दूसरा जिन्होंने रिटायरमेंट ली होती है, ओके ये दो तीन नाम ज्यादा, या फिर तीसरा वो पर्सन बनते हैं जो बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है जिन्होंने बहुत बड़े हाल ही में उपाधि हासिल की होती है, ठीक है, तो फिलहाल उपलब्धि हासिल की होती है, तो यही आपको रिटायरमेंट से याद रखना है। जर्मनी के फॉरवर्ड खिलाड़ी विश्व कप विजेता आंद्रे शुरले की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने सेवानिवृत्त कर ली है, उन्होंने 2014 का फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था, ठीक है इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, नेक्स्ट आपका रहा एक ओबिचरी निधन से रिलेटेड रहा, आपको ये पर्सन दिख रहे होंगे, सिंपल सा रहा, इनसे जो इंपॉर्टेंट बनता है ना, सबसे पहले तो इनका नेम देखिए बच्चों, इनका नेम की अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर CS शशधरी, इनका नेम रहता है प्रोफेसर CS शशधरी, जिनका क्या हाल ही में निधन हुआ है। ये क्या थे बच्चों, एमिनेंट इंडियन मैथमेटिशियन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंट के टाइम थे और इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो सबसे विख्यात गणितज्ञ थे और ये फाउंडर रहे थे, ये इसे इंपॉर्टेंट बना देता है बहुत ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और डायरेक्टर एमेरिटस ऑफ द चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ओके सिंपल सा रहा,
एमेरिटस ऑफ द चेन्नई मैथमेटिशियन इंस्टीट्यूट के अगर बात करें संस्थापक की डॉक्टर सी एस शेषाद्री जिनका हाल में क्या हो गया, निधन हो गया। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा, सिंपल सा एक क्वेश्चन रहा आपको, ये अभी पिक्चर में दिख रहा होगा कि हॉप है सबसे पहले तो, और हॉप एमिरेट्स मार्स मिशन रहेगा अभी, तो आपको याद रखना है ये किसका रहेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का रहेगा हॉप मिशन, जो किसके लिए, मार्स मतलब बात करते हैं अगर मंगल ग्रह की हम बात करते हैं तो उसी के लिए रहेगा। सिंपल सा देखिएगा, जैसे ये सन है, सन के पास अर्थ आ गई आपकी, ये अर्थ क्या है राउंड लगा रही है, उसके बाद क्या रहता है आपका मार्स, इस पर क्या करता है राउंड लगाता है, तो उसी के लिए क्या करेंगे, इस मार्स में क्या होगा एक हॉप रहेगी कि मंगल ग्रह पर कहीं ना कहीं अब धरती पर मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे कि वहां पर भी एज ए लाइफ फाउंड कर रहे हैं, तो वही हॉप मिशन रहा वो किसका रहा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का रहा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं मार्स के लिए हॉप मिशन में, तो इसमें $200 मिलियन की क्या होगी टोटल अगर बात करते हैं लागत की, तो $200 मिलियन रहेगी। अब यूए की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट कौन है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, हाल ही के हैं, याद रखिएगा नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर याद हो जाएगा, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, सिंपल सा याद रखिएगा नेम तो शेख खलीफा बिन जायद, शेख खलीफा बिन जायद यूए की क्या है, प्रेजेंट है। कैपिटल अबू धाबी, ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा, करेंसी क्या है दिरहम, ओके दिरहम याद रखना है, दिरहम क्या रही यहाँ की करेंसी रही। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा, अभी क्या है हाल ही में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताई थी कि पीएम स्ट्रीट वेंडर क्या है आपकी एक स्कीम निकाली गई थी प्रधानमंत्री द्वारा, जिसमें क्या था कि 10,000 उनको ईयर के दिए गए थे, जितने आपके वेंडर होते हैं लाइक जो रास्ते पर छोटी मोटी दुकानें लगाई होती है ना, शॉप्स लगाई होती है, उन्हीं के लिए था ये, आत्मनिर्भर भारत के अंडर था, बनाया गया था पीएम स्वनिधि योजना स्कीम थी ये, तो उसकी आगे पिक्चर, और जो उसी में क्या थी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि थी, तो उसी के लिए क्या है एक मोबाइल ऐप अब बना दी गई है। उस मोबाइल ऐप से क्या होगा, जो भी वेंडर्स होंगे वो इंस्टॉल करें उसे, और उस ऐप के थ्रू क्या होगा लोन वगैरह ऋण वगैरह की सहायता ले सकेंगे। तो देखिए अब बच्चों पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, किसने किया है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय ने, और अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की अगर हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की, तो हरदीप सिंह पुरी रहे इनकी मिनिस्टर रहे। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किसके अंडर आती है, हरदीप सिंह पुरी के अंडर। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी आईसेट, अगर ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा के द्वारा क्या किया गया है, ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर के नेम से एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा एस्पायर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये किसका रहा आपका, आईसेट का रहा। सिंपल सा यहाँ से इतना ही बनेगा, एस्पायर ई पोर्टल किसका है, आईसेट का है। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको यहाँ से याद रखनी है, एस्पायर ई पोर्टल किसका है, आईसेट का है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा, नेक्स्ट एक ओबिचरी से वही निधन से रिलेटेड रहा है, अगर बात करते हैं रेव मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ काम करने वाले एक नागरिक अधिकार द रेव कॉरी टिंडल विवियन का क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया। सिंपल सा रहा, अगर हम बात करते हैं जैसे ये इन्हें काफी अगर पुरस्कार की बात करें जैसे अभी बराक ओबामा द्वारा और ये सम्मानित किए गए थे, सिंपल सा इनका नाम क्या रहा देखिए बच्चों, द रेव कॉरी टिंडल विवियन इनका नेम रहा, और ये क्या थे जो रेव मार्टिन लूथर किंग थे उनके साथ काम कर चुके थे, तो यही क्या है इसे इंपॉर्टेंट बना देता है। सिंपल सा याद रखिएगा, द रेव कॉर्डी टिंडल विवियन, अगर बात करते हैं इसकी तो सिविल राइट्स मतलब एक सिविलियन थे, सिंपल से थे, तो उन्हीं को क्या है, उन्हीं का क्या है हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, तो बच्चों ये थे आज की जितने भी करंट अफेयर्स हमने देखे रिलेटेड टू एमसीक्यूज फॉर्म में हमने डिस्कस किया। अब आज का क्वेश्चन देखे तो क्या है, व्हाट इज वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक क्या है, आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में देखकर आना है, इसके सदस्य कौन है, हाल ही में कौन सा सदस्य इसे मतलब लास्ट सदस्य कौन सा बनाया गया है, इसके मतलब हेड कौन है, कब फाउंड किया गया था, और इसमें कितने देश सदस्य हैं, और ये कौन से मतलब किसको वोटिंग राइट है, मेन कौन है, ऐसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको उसके बारे में कलेक्ट करना है। ओके, पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर जीके बाई प्रदीप सर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा चैनल, वहां से आपको क्या करना है ज्वाइन करना है, वहां पर डेली क्लास की पीडीएफ आपको एज इट इज ये मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी पसंद आई होगी और समझ में आई होगी चीजें, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई ट्राई करेंगे कि आपका क्या है प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।